नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हजरत अजगैब रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जमीन पर दसरा जुड़न में हजरत अजगैब रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स बुधवार की रात्रि को बड़े ही अदबो एहतराम के साथ मनाया गया। आपको बताते चले कि हजरत अजगैब रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स विगत 100 साल से भी अधिक समय से लगता चला आ रहा है। उर्स में दूर दराज इलाके से हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान जायरीन शिरकत फरमाते हैं और उनके मजार पर हाजिरी लगाते हैं। हजरत अजगैब रहमतुल्लाह के मजार की विशेषता है कि उनका मजार उत्तर दक्षिण न होकर पूर्व पश्चिम दिशा में स्थापित है। शांति व्यवस्था काम करने में क्षेत्राधिकारी के देखरेख में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात होकर चप्पे चप्पे शांति व्यवस्था बनाते हुए देखी गई। जहां उर्स लगने की बात है तो वह जगह बहुत बड़ा जंगल था, जिसमें काफी अखरोट के पौधे थे। इस जंगल में हजरत अजगैब रहमतुल्लाह पैदा हुए थे, जो काफी सदियों की बात है। आज वह जगह बहुत साफ सुथरा और खुशहाल हो गया है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर उर्स मानते हैं और देश की सलामती की दुआ भी करते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधान मिराज, पूर्व प्रधान MD रब्बानी, वर्तमान प्रधान यूसुफ, समाज सेवी शेख जमील एवं महिला समाज सेवी की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। और दिल से ही लगे हैं हमारे पड़ोसी सारे हिंदू मुसलमान सभी लोग लगे हुए हैं कंधे से कंधे मिलाकर। और हम लोग मुसलमान से ज्यादा कई गुना हिंदू भाई लोग शांति व्यवस्था बनी है, शांति व्यवस्था बनी है। वर्तमान प्रधान पासवान जुड़ा कौन सिद्दीकी? यूसुफ सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, आप इस गांव के प्रथम नागरिक हैं और वर्तमान में हैं। आपके गांव सभा में काफ़ी संख्या में लोग आज देखे जा रहे हैं, इस व्यवस्था को किस तरह से आप लोग संभाल रहे हैं? अच्छा, मजार शरीफ के बारे में थोड़ा बताइए, अजगैब पीर सोहा के मजार के बारे में, जहाँ जिसके लिए लोग आज आस्था के साथ लोग आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग करके अब मन्नतें पूरे होते हुए जा रहे हैं। मानना है कि अजगैब पीर बाबा बहुत पहले 50 साल पहले 60 साल पहले आए थे, बहुत सारी जंगल यही कर गए थे। वही एक कुत्ता एक बिल्ली गांव में जाते थे, लोग आए इकट्ठा हुए, उनको दफनाया गया उत्तर दक्षिण का, लेकिन वो बार बार पशु पूर्व का हो जा रहा था उनका पर्व, फिर उनको दूसरी तरफ पश्चिमी पूर्व का छोड़ दिया गया। यही उनकी खासियत है, अपनी निशानी देख करके और वली अल्लाह वाले भी यहाँ से फिर आज भीड़ लगाना शुरू किए। आज मनोरमा सिंह एक समाज सेवी आप हैं और आप एक दूसरा गांव में इतनी काफ़ी भीड़ में आप आई हुई हैं, ये लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक हो गया है। तो आज जिस मजार पे आप आई हैं, इस मजार के बारे में कुछ आपको अगर जानकारी हो तो बताएं। मुझे जानकारी नहीं है, बाबा के मजार के बारे में क्योंकि जो भी प्रोग्राम मुस्लिम का कोई मतलब विशेष रखा ही नहीं है, मुस्लिम नहीं आए हैं, तो एकता का प्रतीक हमेशा बना रहे, ये हम चाहते हैं। अजगैब पीर बाबा के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए। हमारे सारे गार्जियन हैं, सारे बुजुर्ग हैं, आप तो देख रहे हैं कि वे लोग बताते हैं कि पुष्पों से यहाँ एक मेला लग रहा है, उर्स लग रहा है, और एक लोग आस्था से आते हैं। और ये आपको बताया जो हमारे पूर्व प्रधान बताए महाराज साहब ने कि यहाँ एक बिल्ली और एक कुत्ता के साथ वली आए, और यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, घोड़ा भी था, और उनका बहरहाल मौत तो बड़ा के मौत तो आनी है, जो तैनात की इस दुनिया में आया उसको मौत आनी है, मौत जो भी आया खुदा रहा इस जमीन में, चाहे जो भी आया कुदरत ने जिसको भेजा है उसको मौत, पेड़ हो कुत्ता हो सबको जाना, अल्लाह की वली है, आप आए हैं पर्दा कर गए। और हमने ये सुना इनकी जब दफनाए जा रहे थे उत्तर दक्षिण का, इनके आप जो खबर है बहुत बड़ा लोगों का आस्था है,
सभी तो लोग आए हैं, लेकिन किसी को बुलाने में कोई आता नहीं है। ये तो सचिन भाई को बुलाते हैं तो आते हैं, बुलाएंगे तो आएंगे। अध्यक्ष बुलाया फोन आता है जमीन। थैंक यू प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटे से शब्दों में जो आपने पूरी चीज आपने बता दी, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बताइए। मिराज अहमद पुर प्रधान, मिराज अहमद ग्राम सभा जमीन प्रधान। आज किस तरह का कार्यक्रम है आपके ग्राम सभा? मेला कार्यक्रम है, उसके नाम से मशहूर है। क्या नाम है जहाँ उसे लगता है? अजय पीर बाबा का जो चलाना है उसको, हर साल के बाद इस साल भी आज इस साल को मना रहे हैं। इस अजय पीर बाबा का नाम कैसे और कब पड़ा? अभी हम लोग बाप दादा बताएंगे कि इनका नाम क्या था, कैसे पड़ा। 200 वर्ष पहले से इनका यहाँ प्रोग्राम है और इनका बाजार पूरा पश्चिम का है। अच्छा, हर बाजार जो है उत्तर दक्षिण का होता है, आपका बाजार पूरा पश्चिम का है। खासियत बताइए अजय पीर बाबा की। रात में पश्चिम पुरुष हो जाते हैं, इसलिए इनको पश्चिम पुरुष का ही। सर एक चीज और लोग बता रहे हैं कि जब आप घोड़ा से इस ग्राम सभा के जंगल, ये जंगल इलाका था, इस जंगल में आप जब प्रवेश किए, जब आए, जब रहने लगे, जब आप पर्दा कर गए, तो उनके साथ एक बिल्ली और एक कुत्ता, जो आप लोगों के गांव में जा करके बताना, क्या हद तक सच्चाई है? हम लोग बताते। अच्छा, उसके बाद लोग आए तो देखे कि आप पर्दा कर दिए, तो इनको मिट्टी उठी दफन उफन यहाँ किया गया, उत्तर दक्षिण का किया गया। हाँ, तो फिर पश्चिम पूर्व हो गए, तो फिर पश्चिम पूर्व का ही रखा गया। उस बाजार का यही